वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा नए लेक्चर में हमें बात करनी है स्टाफिंग प्रोसेस की पहले, और फिर बेटा आगे बढ़ सकते हैं टॉपिक्स की तरफ। वो अभी हमने स्टाफिंग प्रोसेस में ना 5 स्टेप फिनिश किए हैं। एक बार फटाफट से मैं रिवीजन करा देता हूँ। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सबसे पहला स्टेप था बेटा। पढ़ने पर, बेयरली पढ़ने पर लगता है कि एस्टीमेट कर लो कितनी मैन पावर चाहिए। दैट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऐसा पढ़ने पर लगता है। पर बेटा एक्चुअली बात ये है कि एस्टीमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में मैं दो बातें समझूंगा, एक नंबर ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज द टाइप ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दो एनालिसिस परफॉर्म करके, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या था वर्कलोड एनालिसिस? कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए टोटल कितने एम्प्लॉयज लगेंगे। और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है बेटा, एग्जिस्टिंगली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें से कितने ओवर बर्डन या अंडर बर्डन है। इनका डिफरेंस उठा लो बेटा, आपको खुद पता लग जाएगा आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, फिर बेटा टाइप की बात आती है। अब वो ये मैंने कल डिसाइड कर लिया था कि मुझे 300 एम्प्लॉय चाहिए। चलो अगर मैं उस एग्जांपल को चेंज करूं बेटा, मेरा मान लो मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय आते हैं दो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल। ठीक है, अब बेटा खाली नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिसाइड कर लेना जरूरी नहीं है, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा किस टाइप का चाहिए एम्प्लॉय। टाइप मतलब उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो, उसका बैकग्राउंड क्या हो, उसका एक्सपीरियंस कितना हो, क्या नेचर ऑफ जॉब में उससे परफॉर्म कराऊंगा, सब कुछ हो। या सारे टीचर के लिए एक ही क्राइटेरिया चल जाएगा? अगर मुझे स्कूल में टीचर अपॉइंट करना है तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा मुझे फ्रेशर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे कौन सी क्लास को पढ़ाने वाला चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला चाहिए, सबका एक क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता। तो टाइप सोचना कितना जरूरी है ये तो समझो। और सिर्फ इतना ही नहीं सोचना, कई बार बेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय सोच जब आप सोच रहे होते हो तो आपको आपकी पॉलिसी को भी दिमाग में रखना है। कल मैंने ये भी बात बताई थी आपको, कई बार मेरी पॉलिसी होती है कि मुझे 20% जॉब, 30% जॉब वुमेन्स के लिए देनी है, या 10% जॉब, 20% जॉब माइनॉरिटी के लिए रखनी है। अगर ऐसी कोई आपकी पॉलिसी है तो आपको बेटा टाइप में वो भी बात ध्यान रखनी है, उनके लिए उतनी जॉब रिजर्व रखनी है। क्लियर बात? फिर बेटा हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा था रिक्रूटमेंट, थर्ड पढ़ा था सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज द पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन इज द नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। रितेश क्यों सिलेक्शन को नेगेटिव बोला गया भाई? बेटा नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज रिगार्डेड एज अ नेगेटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। उसके बाद बेटा फोर्थ स्टेप था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बेटा दोनों का मतलब अलग अलग है। प्लेसमेंट मतलब एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन फॉर व्हिच ही और शी इज सिलेक्टेड, उसे प्लेसमेंट बोला गया। और बेटा ओरिएंटेशन सिंपली मींस फेमिलियर करना है एम्प्लॉय को। मैं कहता हूं अभी मैंने सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन स्टेप खत्म किया है पिछला स्टेप, और अब मैं क्या कर रहा हूँ एम्प्लॉय को फेमिलियर कर रहा हूँ। नया ही तो एम्प्लॉय आया है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता ही क्या है, उसको फेमिलियर करो ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसको बताओ प्रमोटर कौन थे, उसको बताओ मिशन विजन विजन क्या है, उसको बताओ CMD कौन है, उसको बताओ तेरे सुपीरियर सबॉर्डिनेट क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, हर चीज के साथ फेमिलियर करो। हो गया फेमिलियर? ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा कल बात हो चुकी है इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, दोनों स्किल एनहांसमेंट करती हैं, स्किल का कोई फर्क नहीं है। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक फील्ड में होती है, वाइल डेवलपमेंट इज ओवरऑल इन ऑल रिस्पेक्ट। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड, जनरली इट इज रिलेटेड विद योर जॉब पोजीशन, वाइल डेवलपमेंट का आपकी जॉब पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड वेट करो बेटा। बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं बात को। बेटा सिक्स स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएशन, मतलब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन,
मतलब अब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करो कि वो सब कुछ ठीक कर रहा है या नहीं। देखो, अगर एम्प्लॉय एक स्पेसिफाइड पीरियड तक ट्रेनिंग ले चुका है, हर जॉब, मैं कहता हूँ बेटा आज की तारीख में बहुत पढ़ लिख कर चले जाओ, कितना भी पढ़ लिख कर चले जाओ, 10 डिग्री लेकर चले जाओ, जिस दिन जॉब करने जाओगे ना, ऑर्गेनाइजेशन पक्का बोलेगी कि पहले हम ट्रेनिंग लेंगे, आप पहले हमारे एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट तो कर जाओ, आपको पता तो लग जाए हमारा वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स क्या है। 3 महीने की ट्रेनिंग है, कोई 6 महीने की ट्रेनिंग बताएगा, कोई 8 महीने की ट्रेनिंग बताएगा। मैं कहता हूँ आप एक स्पेसिफाइड पीरियड की ट्रेनिंग ले चुके हो, लेट सपोज 3 महीने ले ली ट्रेनिंग, उसके बाद बेटा कुछ टाइम हो चुका है आपको जॉब करते हुए, 8 महीने 10 महीने बीत चुके हैं आपको जॉब करते हुए, अब आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा। और ये जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगी, इट इज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। कहीं ना कहीं बेटा ये एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी। ये प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स क्या है? देखो, ये जो आपका सुपरवाइजर होगा ना, या जो एचआरएम होगा बेटा, उस सारा दिन ना आपकी पोस्ट के लेवल के हिसाब से यही देखते रहते हैं कि कौन कितना परफॉर्म कर रहा है। मैं कहता हूँ एक इंसान सुपरवाइजर है, 20 साल हो गए सुपरवाइजर है, वो बहुत अच्छे से जानता है जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो कि कितना काम होता है वहां दिन भर में, वो इतने सालों से यही देख रहा है। अब उसके दिमाग में वो स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट वो आपकी परफॉर्मेंस चेक करने वाले, इसी को बोला जाता है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, क्योंकि पहले से डिटरमाइन किए गए हैं। ठीक है, सुपरवाइजर ने डिटरमाइन कर लिया कि अच्छा 10 महीने हो चुके हैं ट्रेनिंग के बाद, आपको 10 महीने में 10,000 यूनिट बननी चाहिए, हर महीने 1,000 यूनिट बनती बनती है। और जी ले आओ आज रजिस्टर, चेक कर लेते हैं कितनी यूनिट ये रोज बना के जा रहा है। तो ये हो रहा है बेटा उन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। बेटा नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम तो एडिंग में सिर्फ प्रमोशन आता है, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ प्रमोशन ही होगा, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है डेमोशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, अब बेटा आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया और मैं कहूँ आपकी अप्रेजल रिपोर्ट एक्सीलेंट है, क्योंकि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड 10,000 है और आपने एक्चुअली में यूनिट बनाई 15,000, योर अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, क्या होना चाहिए? प्रमोशन आना चाहिए, यू डिजर्व प्रमोशन, प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूं बेटा अप्रेजल रिपोर्ट खराब भी तो हो सकती है, योर अप्रेजल रिपोर्ट इज पुअर, वेरी पुअर। बेटा होना चाहिए था 10,000 और टोटल आपने 7,000 यूनिटें बनाई, क्या होगा? सर ऐसे केसेस में दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो बेटा डिमोशन, डिमोशन का मतलब सब समझते हैं, जिस रैंक पर जिस पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं उससे लोअर जॉब पोजीशन देते हैं, इस डिमोशन। अगेन प्रमोशन क्या होता है? अपर जॉब पोजीशन देते हैं। बेटा एक होता है ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर मतलब कई बार ऑर्गेनाइजेशन को लगता है यू आर अ कैपेबल एम्प्लॉय, हो बहुत बढ़िया पर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आपको डिमोट तो नहीं करेंगे, आपका डिमोशन तो नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं हम सेम लेवल पर किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका शायद प्रोडक्शन में मन नहीं लग रहा, तभी आपने इतनी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, तो वो सोचते हैं कि कोई और डिपार्टमेंट दे देते हैं, बंदा कैपेबल है बस परफॉर्म नहीं कर पा रहा इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि वजह उनको भी नहीं समझ में आ रही। तो उन्होंने क्या करा, जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे रखा, पर ले गए किसी और डिपार्टमेंट में, लेट सपोज मार्केटिंग में ले गए आपको, समझ में। अगर अप्रेजल रिपोर्ट खराब है तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक रवैया आपके साथ अपनाया जाएगा, इधर डिमोशन और ट्रांसफर। ओके, एंड लास्ट वन इज कंपनसेशन, और इसके बाद स्टाफिंग प्रोसेस करना। बेटा कंपनसेशन का क्या मतलब होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉई, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड, अगर कोई भी फॉर्म का आप रिवॉर्ड दे रहे हो एम्प्लॉई को तो वो कंपनसेशन का पार्ट होगा। कंपनसेशन फर्दर दो तरीके की होती है बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। और तो बेटा इनकी कोई स्पेसिफाइड डेफिनेशन नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपनी समझ से समझी हुई है चीजें। बेटा डायरेक्ट कंपनसेशन में उस कंपनसेशन को बोलता हूँ जो आज मिलेगी और कैश मिलेगी, मतलब जिसमें दोनों गुण है, अभी मिलेंगी और कैश ही मिलेंगी। इनडायरेक्ट क्या होती है? जो या तो आज नहीं मिल रही,
या कैश नहीं मिल रही। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं सैलरी आज मिल जाएगी कैश मिल जाएगी, बोनस आज मिल जाएगा कैश मिल जाएगा, कमीशन आज मिल जाएगा कैश मिल जाएगा, ये सब बोल सकते हो डायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट क्या है, या तो आज नहीं मिल रही या तो कैश नहीं मिल रही। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ इंश्योरेंस करा दिया आपका, ठीक है आज मिल रहे हैं वैसे, मरोगे मिल जाएंगे फैमिली को, पर मिल तो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो खर्च कर रही है। अभी कंपनसेशन की डेफिनेशन क्या पड़ी, ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉई, ये आपको ही तो मिल रहा है भाई। तो ये है क्या, अगर कोई चीज आज ना मिले या कैश ना मिले तो समझ जाना वो इनडायरेक्ट का। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया लाइफ इंश्योरेंस, और बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ याद है, प्रोविडेंट फंड, किसी को पूछना है प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं ना, सबने बहुत बार सुन लिया मुझसे। बेटा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके पीएफ में, अगर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया आपके पीएफ में, आज आज मिल रहा है, कब मिलेगा, इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट, अपॉन रिटायरमेंट मिलेगा। बेटा आज तो नहीं मिल रहा, इनडायरेक्ट है, क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन ने रहने के लिए फ्लैट दे दिया आपने, आज मिल रहा है, बिल्कुल आज मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा। जो आज ना मिले या कैश ना मिले वो बाय डिफॉल्ट इनडायरेक्ट, जो आज मिले अभी मिले कैश मिले वो डायरेक्ट। तो मैंने बेटा एक अपने हिसाब से डेफिनेशन बना रखी है, अब आप देख लो कितना समझ में आया आपको, जो मर्जी एग्जाम्पल फिट कर दो आपको खुद पता लग जाएगा डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस डन, आगे बढ़े बाबू। अभी ना स्टाफिंग प्रोसेस में ना हमने 2, 3 और 5 नंबर पर कुछ स्टेप पढ़े। सेकंड स्टेप था रिक्रूटमेंट, थर्ड था सिलेक्शन और फिफ्थ था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं आपको बता देता हूँ ये तीनों टॉपिक अब हमारे पास डिटेल्ड फॉर्म में, एक टॉपिक है रिक्रूटमेंट जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, आज का लेक्चर बचा हुआ जितना सारा खा जाएगा और बेटा अगला भी काफी खा जाएगा, ठीक है। और बाबू उसके बाद सिलेक्शन स्टार्ट होगा वो भी खाएगा 1 से 1.5 लेक्चर, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होगा वो भी खाएगा 1 से 1.5 लेक्चर। जब ये तीनों खत्म होंगे तब समझ लेना चैप्टर पैक हो गया, तभी कुछ नहीं होगा पैक, ठीक है, समझ में आ रही बात। मंडे आप टेस्ट दे रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ ये मैंने कहा याद कराता रहा क्योंकि तुम्हें सिर्फ ये याद रहता है कि मैं कितनी तेजी से सिलेबस उड़ाऊं, तुम्हें ये याद नहीं रहता कि हमें भी पढ़ना है, ठीक है। चलो जी बाबू अब हम बात करते हैं फटाफट से रिक्रूटमेंट की। बाबू रिक्रूटमेंट पॉजिटिव स्टेप था स्टाफिंग प्रोसेस में, कोई भी मैनेजर है बेटा वो इंड्यूस करना चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को कि आओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करो। ऐसा क्यों बेटा, जितने ज्यादा लोग आएंगे जॉब के लिए उतने ही ज्यादा सुटेबल चांसेस है कि मुझे, उतने ही ज्यादा चांसेस है मुझे कि एक सुटेबल कैंडिडेट मिलने वाला। मैंने कल एक बात करी थी 300 एम्प्लॉय चाहिए और 300 ने जॉब के लिए अप्लाई करा, तो उसे बेटा सिलेक्शन नहीं होगा आपका कोई, वो तो मजबूरी हो जाएगी आपकी कि अब रखना ही है सबको। मैं कहूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टीचर चाहिए मुझे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है और 2 ही आए ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, आपने अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज ही नहीं किया, तो बेटा मजबूरी बोलोगे उसको, उसको सिलेक्शन नहीं बोलते। इंटरव्यू लो कि ना लो दोनों का सिलेक्शन होना ही होना। तो बेटा रिक्रूटमेंट के टाइम पर आपको चाहिए अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज करो, सब सारी दुनिया को बता दो कि हमें एम्प्लॉय की जरूरत है, जितने ज्यादा लोग उतने बढ़िया होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यही था रिक्रूटमेंट बाबू। रिक्रूटमेंट 2 अलग अलग सोर्सेस से होता है, रिक्रूटमेंट 2 अलग अलग सोर्सेस से होता है। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा इंटरनल सोर्सेस से क्या मतलब, वैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता नहीं है तुक्का, पर कभी कभी चल जाता है बाबू। इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं, कई बार बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट वैकेंट हुई और जो एम्प्लॉई
जिस क्वालिफिकेशन के साथ मुझे चाहिए, जिस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। तो बेटा इसे ही बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहूं बेटा मेरा ऑर्गेनाइजेशन एक स्कूल है, 11th 12th पढ़ाने वाला एक टीचर है जो पढ़ा रहा है बहुत टाइम से इकोनॉमिक्स, आज उसके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, एक नया ऑफर आता है, वो रिजाइन देकर वो चल देता है। और मैं जो सोच रहा हूँ इस बार टीचर रखने की, मुझे चाहिए उसको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, मुझे चाहिए उसने इको ऑनर्स की हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो उसके पास, मैं ऐसा कुछ सोच रहा। और मैंने देखा एक टीचर 9th 10th में सोशल साइंस पढ़ा रहा है, सोशल स्टडीज पढ़ा रहा है, बेटा मेरे ही स्कूल में इको ऑनर्स भी है और मेरे स्कूल में 15 साल से पढ़ा रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी है, और जब घर पे ट्यूशन पढ़ाता है तो 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ाता है, बस मैं उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहा था अपने स्कूल में। अब ये देखो ना कि वैकेंसी होने के बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वैसा स्टाफ अवेलेबल है जिस क्वालिफिकेशन जिस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए। तो बेटा इससे ही बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लेकिन क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी अवेलेबिलिटी होती है? नहीं होती बेटा, जहां ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं होती वहां आपको एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जाना पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब वो सोर्सेज जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर झांको तभी नाम है एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही झांको अभी, ठीक है बेटा। बेटा इंटरनल सोर्सेस दो तरीके के हैं, वन इज ट्रांसफर एंड अदर वन इज प्रमोशन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन, बाबू क्या फर्क होता है ट्रांसफर और प्रमोशन में? ऑल्दो ये डायग्राम आपने मुझसे बहुत बहुत बार समझा है। बेटा ट्रांसफर क्या होता है, एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर आपको पहुंचा देना विदाउट चेंजिंग योर अथॉरिटी, विदाउट चेंजिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ नहीं बदलना, बस एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में पहुंचा देना। कभी पेपर में आया भी तो इसका डायरेक्टली नाम ट्रांसफर नहीं आता, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉई, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं एम्प्लॉई को। मैंने अभी भी बताया था ट्रांसफर का मतलब कि आपकी रैंक नहीं गिराई जा रही, जिस रैंक जिस लेवल पे काम कर रहे थे बेटा उसी रैंक उसी लेवल पे काम करते रहोगे, बस दूसरे डिपार्टमेंट में काम करोगे। समझ में आया ट्रांसफर क्या है? बेटा प्रमोशन रेफर्ड टू एस वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, प्रमोशन को वर्टिकल शिफ्टिंग बोलते हैं। वर्कर थे प्रमोट कर दिए गए लोअर लेवल पे, लोअर लेवल पे थे मिडल लेवल पे प्रमोट कर दिए गए, मिडल लेवल पे थे टॉप लेवल पे प्रमोट कर दिए गए, टॉप लेवल पे थे अल्लाह को प्यारे होते, नहीं मतलब ये वाली बात नहीं है, ठीक है जी। बाकी सारी बातें क्या है, प्रमोशन, ठीक है जी, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, दोनों में फर्क क्या होता है थोड़ा सा और समझते हैं। बेटा अगर प्रमोशन होगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पावर भी और जिम्मेदारी भी, ठीक है सर। ट्रांसफर में बढ़ेगी सेम, बाबू पे पैकेजेस प्रमोशन में बढ़ेंगे, मिडल लेवल पे थे टॉप लेवल पे आ गए, पे नहीं बढ़ेगी पक्का बढ़ेगी बेटा, अगर ट्रांसफर है तो कुछ नहीं बदलेगा भाई। बेटा मिलने वाली फैसिलिटी, मिडल लेवल पे थे टॉप लेवल पे आ गए प्रमोशन में, फैसिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अभी तक तो बेटा ऑटो रिक्शा से आ रहे थे, कैब से आ रहे थे, अब ऑर्गेनाइजेशन की कार मिलेगी, फैसिलिटी भी बढ़ेगी। अगर ट्रांसफर है नहीं बढ़ेगा, यानी कि ट्रांसफर के केस में कुछ नहीं बदलता, ना रोल ना जॉब पोजीशन, ठीक है, ना अथॉरिटी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पे ना पैकेजेस, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी भी कुछ नहीं बदलता, प्रमोशन में सब बढ़ जाता है। क्लियर है बात? मेंटल सेटिस्फेक्शन किसका जाता है, तो कौन ज्यादा मोटिवेट करता है, प्रमोशन या ट्रांसफर? ऑब्वियसली प्रमोशन, बहुत मोटिवेशन है इसका, ठीक है ना, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ट्रांसफर तो कुछ नहीं है यार, आप सोचो ना कल तक 9th 10th को साइंस पढ़ाते थे और आपको कह दिया गया कल से 9th 10th को मैथ्स पढ़ा देना, साइंस छोड़ दो, हम एक नया टीचर डाल दिया,
क्या ही सेटिस्फेक्शन। और ये बोल दिया जाए 9th 10th को साइंस पढ़ाते थे कि अलग से 11th 12th को पढ़ाना, 9th 10th छोड़ो, तो कितना साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इस चीज में। क्लियर है बात? आगे बढ़े बाबू। जैसे इंटरनल सोर्सेस में फर्दर दो सोर्सेस हम पढ़ते हैं, दो मेथड पढ़ते हैं, ऐसे बेटा एक्सटर्नल में 10 हैं एक एक करके। ठीक है जी, आज का टारगेट है 10 में से कुछ 6-7 कर लेते हैं, बाकी मुद्दा कल का है। अभी इसकी मेरिट डीमेरिट भी है मेरे कोर्स में, इसकी मेरिट डीमेरिट भी है, पर मैं इसकी मेरिट डीमेरिट अभी इसलिए रोक देता हूँ क्योंकि बेटा अगर एक्सटर्नल हम सारा पढ़ लेंगे ना तो एक्सटर्नल की मेरिट डीमेरिट से इसकी मेरिट डीमेरिट काफी क्लियर हो जाती है, इस वजह से मेरिट डीमेरिट अभी रोकी गई है। तो बेटा एक्सटर्नल के मेथड पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे पहला मेथड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा गया, ये नहीं पढ़ना अभी। सेकेंड नंबर पे कैशुअल कॉलर्स लिखा गया, ये पढ़ते हैं। अच्छा थोड़ा सा ना डिस्कशन कैजुअल कॉलर पढ़ने से पहले मैं इस बात पे कर देता हूं, इंटरनल सोर्सेस ना बेटा महंगे नहीं है, ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ते हैं और बहुत सिंपल है। जबकि एक्सटर्नल जनरली, सिर्फ मैं जनरली बात कर रहा हूं, ये महंगे भी हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। समझ लेते हैं कैसे बेटा। अभी मैंने बताया 11th 12th में मेरे पास एक वैकेंसी होगी इकोनॉमिक्स के टीचर की, 9th 10th का एक टीचर मेरे पास सोशल साइंस पढ़ाता है, सेम क्वालिफिकेशन सेम एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने उसको जाके बोला कि कल से आप 11th 12th पढ़ाओगे, मुझे बताओ मेरे पैसे कितने लगे बोलने में? जीरो। अच्छा मैंने कोई प्रोसेस फॉलो करा उसका, इंटरव्यू लेना या कोई टेस्ट कंडक्ट करना? कुछ भी नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मैं गलती से इंटरव्यू ले लूँ और वो पास ना हुआ तो क्या करूंगा? तो ऐसे केसेस में इंटरव्यू कंडक्ट ही क्यों करना? तो यानी कि बेटा एक सिंपल सा प्रोसेस है, ना पैसा लगाया ना बेटा कोई इंटरव्यू कंडक्ट करा। अच्छा एक्सटर्नल में ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से एम्प्लॉय ढूंढ रहा हूँ, मान लो वो टीचर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है बेटा, अब मैं अगर अपनी वैकेंसी को ढंग से एडवर्टाइज ना करूँ तो मेरे पास ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मैं एडवर्टाइज करता हूँ पैसे खर्चता हूँ, तो पैसे खर्च कर दिए, पैसे खर्चे, टीचर चाहिए था एक आ गए 20, ये तो पक्का है कि अच्छा टीचर मिलेगा। अब 20 के लिए भैया टेस्ट कंडक्ट करो, सबके इंटरव्यूज कंडक्ट करो, तब जाकर एक का सिलेक्शन होगा। यानी कि दिख रहा है बेटा एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे भी हैं और एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस भी है, ये सिंपल भी है और इकोनॉमिकल भी है। समझ आई बात? ये बात समझ आई? अब कैजुअल कॉलर स्टार्ट करते हैं ताकि बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैजुअल कॉलर क्या चीज है बेटा? आप मान लो अभी अभी इंजीनियरिंग करके रहते हो, ठीक, ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स साइड से इंजीनियरिंग नहीं होगी, ठीक है जी। आपने बेटा बीटेक क्लियर कर ली अभी, ठीक है, और आपका सीजीपीए भी बहुत अच्छा है, 8.9 है मान लो आउट ऑफ 10, ठीक है। और आपने क्या किया बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में गए, किसी अपना रिज्यूमे बना रखा है, आपने भैया पूछ लिया रिसेप्शन पे कि मैं सीएस में इंजीनियर हूँ, मुझे जॉब की तलाश है। तो मैंने कहा जी अभी तो हमारे पास इंजीनियर है, अच्छा आपको जॉब की तलाश है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो रिज्यूमे सबमिट करते जाओ, जब हमारे पास वैकेंसी होगी हम बुला लेंगे, ठीक है जी। आपने अपना रिज्यूमे दे दिया, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। मॉडर्न डेज में तो मेल ही करते रहते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। जैसे मर्जी सोच लो कि मेल करा और चाहे सोच लो कि फिजिकली आप कॉपी देकर। बेटा जैसे आप जॉब ढूंढ रहे हो, कितने लोग इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और पढ़े लिखे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा इंडिया में बेटा, सबने कहीं ना कहीं रिज्यूमे छोड़े हुए हैं। और मैं आपको बात बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है, जिस दिन एक ऑर्गेनाइजेशन है वैकेंसी निकल गई कि उनको इंजीनियर चाहिए इन सीएस, उन्होंने अपनी मेल खंगालनी शुरू करी, तो कम से कम 100 रिज्यूमे निकल जाएंगे, फिजिकल कॉपी के बंडल निकल जाएंगे, इतनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। अब आपने क्या किया बेटा, आपने बेटा वो बंडल उठाया, 100 लोगों के रिज्यूमे प्रिंट निकाले और बेटा सबको कॉल लगानी शुरू कर दी रिसेप्शन से कि फला फला डेटा में हम एक सिलेक्शन टेस्ट एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आपको अगर जॉब करनी है तो आप प्रेजेंट रहिएगा, और बेटा 100 लोगों की लाइन लग गई। अब ये देखो क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से क्या एम्प्लॉय ढूंढने, बिल्कुल बाहर से क्या, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स तो है,
नॉर्मली एक्सटर्नल सोर्सेस महंगे होते हैं, क्या ये महंगा था, ये सस्ता है? इसको समझाने के लिए मैं पहले वो बात क्लियर करता हूँ। मैंने बोला था ना जनरली महंगे होते हैं, लेकिन कैजुअल कॉलर एक सस्ता सोर्स है, पैसा थोड़ी खर्च हुआ आपका, आपको वैकेंसी भी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ी क्योंकि पहले इतने रिज्यूमे पड़े हैं, एडवर्टाइज करके भी क्या नया कर लोगे? समझ आ रही है बात? मजाक से हटके अगर मैं एक बात आपको समझाने की कोशिश करूं, आज किसी भी एक स्कूल में चले जाना, अगर आपका इतना एक्सेस है किसी भी स्कूल में, इतने रिज्यूमे आते हैं एक साल में टीचर्स के, किसी भी एक स्कूल में चले जाना, शायद किसी स्कूल को वैकेंसी एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती, किसी भी स्कूल को ऑलरेडी इतनी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है। तो अगर मैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस में से कोई एक सिलेक्शन, एक रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, ये बेटा यही कैजुअल कॉलर्स है, ये जो मैं अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स को बुला रहा हूं ना, यही कैजुअल कॉलर्स है, क्योंकि मैं कैजुअली कॉल कर देता हूं, उनको भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि कभी कॉल आ जाएगी, इसलिए इसका नाम पड़ा कैजुअल कॉलर्स। क्लियर है बात? समझ आई बात? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा। थर्ड हेडिंग लिखी होगी एड, और 9th नंबर पे देखो बेटा एड ऑन टेलीविजन। तो वो देखो 9th वन इज वेरी स्पेसिफिक वन, एड ऑन टेलीविजन। और अगर मैं थर्ड की बात करूं तो सिंपल एड लिखा गया है, यानी कि अगर 9th इतनी स्पेसिफिक है तो थर्ड का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। थर्ड का मतलब है एड ऑन न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन्स। ठीक है अब बेटा, एड के थ्रू हम क्या एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, मतलब इन द मॉडर्न डे टू मुझे लगता है इसने अपनी यूटिलिटी नहीं खोई। थर्ड पॉइंट है कभी भी एड ऑन बिजनेस न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स, इन्होंने कभी अपनी यूटिलिटी नहीं खोई। आज भी बेटा न्यूज़पेपर में एक पेज आता है क्लासीफाइड करके, और बेटा सारी वैकेंसी होती है उसके अंदर, एक जिले में आते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसी होती है, जितने भी लोग चाहते हैं बेटा उसको एडवर्टाइज कर। समझ में आती है बेटा बात? बाबू एड ऑन टीवी, ये बहुत खतरनाक मुद्दा है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था। सर मैं नहीं मानता कि अगर आप रिलायंस कंपनी में भी हो और सीईओ की पोस्ट पर भी हो, और कोई वैकेंसी है बहुत बड़े लेवल की, सीईओ की ही पोस्ट की वैकेंसी है, कि कोई उसको टीवी पे एडवर्टाइज करे, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 15 लाख करोड़ की कंपनी है, वो भी बेटा 5 करोड़ रुपए नहीं खर्चेगी एक वैकेंसी को फिल करने के लिए, चाहे आप बिल्कुल समर्थ हो खर्च में, तब भी नहीं खर्चे जाएंगे। बेटा एड ऑन टीवी ना सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, सिर्फ गवर्नमेंट, और पास में गवर्नमेंट करती आई है ऐसा, ठीक है ना जी? आर्मी एयरफोर्स एड देते हैं, उनको एड देने की जरूरत पड़ती है, पैसों के लिए तो दुनिया भाग रही है, देश की सेवा के लिए नहीं भाग रही, वहां गवर्नमेंट एड करती है टीवी पर। अगर आप रेयरली कोई एड देखो वैकेंसी फिल करने का, तो गवर्नमेंट का ही एड देखोगे, नेवी का देखोगे, आर्मी का देखोगे, एयरफोर्स का देखोगे, इनके एड मिलेंगे हमेशा देखने को, बाकी कोई एड नहीं। समझ आती है बात? ठीक है जी, किसी ने कोई एड देखा हो टीवी पर, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी फिल कर रही हो तो बताओ, कोई एग्जांपल हो आपके पास। ऑल्दो टीवी देखना इतना कम हो गया कि पता ही नहीं है भैया कि लास्ट कब देखा था, हम तो सिर्फ क्रिकेट मैच देखता हूँ मैं तो, मुझे पता नहीं यार लास्ट भी नहीं पता तो काफी टाइम से। ठीक है जी, किसी ने कोई ऐड देखा तो बताओ? मैंने नहीं देखा बेटा आज तक, मैंने आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऐड तो देखे, वैसे कोई नहीं देखा। चलो खैर आगे बढ़ाते हैं, कोई एग्जांपल हो तो देखेंगे। बाबू तीन बातें मैंने डन करी अभी, कैशुअल कॉलर्स, ऐड और एड ऑन टीवी। समझ आती है बात? बेटा 10th नंबर पर एक हेडिंग है नोट्स में, वेब पब्लिशिंग।
बेटा कुछ वेबसाइट्स बड़ी पॉपुलर हैं आज की तारीख में, जो वो जॉब दिलवाने का काम करते हैं। एक तो बहुत ही फेमस है, इतना ऐड आया कि वो दिमाग में छप चुका है, naukri.com, ठीक है ना। वैसे jobstreet.com, monster.com हैं, अब तो काफी सारी हैं, पर naukri.com बहुत ही फेमस है, जो नौकरियां दिलवाने का काम करती है। नाम ही जानबूझ के इतना तगड़ा सा रखा गया कि एकदम दिमाग में छप जाए। बेटा कहीं ना कहीं इन वेबसाइट के थ्रू जॉब मिल जाती है, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और एम्प्लॉयर्स भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जैसे वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अपना डेटा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही डेटा दे सकते हैं। ऐसे ही बेटा एम्प्लॉयर अलग तरीके से साइन अप करते हैं, वैसे एम्प्लॉयर साइन अप करते हैं तो वो सारी के सारी जो भी उनके यहाँ पे वैकेंसी है उसको सर्च कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको कॉलिंग की जा सकती है, जिसके थ्रू आपकी डिटेल ली जा सकती है। इसके बदले में देखो, इनिशियली बेटा जब ये वेबसाइट्स आई थी तो बेटा ट्रैफिक बढ़ाने की पूरी कोशिश थी, ये फ्री करती थी सब कुछ। अब आप देखोगे ज्यादातर वेबसाइट पेड हो चुकी हैं, ज्यादातर वेबसाइट। शादी.com जब आया था फ्री था, शुरू में सब फ्री था। naukri.com भी जब आया था फ्री था, ट्रैफिक बढ़ गया, सबने पेड कर दिया। आज की तारीख में कोई एम्प्लॉयर आएगा, उसको वैकेंसी देखनी है ना, मान लो उसको अपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना है, सर्च करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, भाई साहब एक इतनी लंबी लिस्ट आएगी, थक जाएगा स्क्रॉल करते हुए। पर जहां जाएगा ना डिटेल्स में कि उसका फोन नंबर मिल जाए, उसका मेल एड्रेस मिल जाए, वो कहीं नहीं दिखेगा। वो क्या करेगा, वो हिडन होगा, वो ब्लर दिख रहा होगा, उसे कहा जाएगा इतना पे करो, ले लो डिटेल। सेम वे जब आप एनरोल करने लगोगे, आपको कहा जाएगा वन टाइम फीस है, इतना पे करो, एनरोल हो जाओ। लेकिन क्या नौकरी दिलवाते हैं? नौकरी दिलवाते हैं, जो पर्पस है वो पूरा है। क्लियर है चारों बातें, समझ में आ गई अच्छे से? बेटा एक फोर्थ नंबर पर हेडिंग है नोट्स में, मेरे हिसाब से मैं पांचवी हेडिंग करा रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। चलो कर करते हैं इसको कंटिन्यू, अब इतना ही रखते हैं, चार ही हेडिंग करी, ठीक है। इतना पढ़ लेना ताकि प्रॉब्लम्स हो तो देखी जा सके पहले। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।